नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 के यूनिट क्लिपर एंड क्लैंपिंग सर्किट्स में टॉपिक क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लिपर होते क्या हैं, इनकी परिभाषा। तो क्लिपर ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती हैं जो इनपुट वेवफॉर्म के कुछ हिस्से को क्लिप या रिमूव करके उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं। तो एक बार फिर से यदि देखें तो ये क्लिपर ये वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती हैं जो इनपुट वेवफॉर्म के कुछ हिस्से को क्लिप या रिमूव करके उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं, क्लिपर कहलाते हैं। अब इनकी यदि बनावट देखें कि ये क्या क्या होगा, तो क्लिपर में मुख्यतः डायोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डायोड प्लस रेजिस्टेंस होती है और इसके साथ में बैटरी भी जुड़ी हो सकती है। ये क्या है, ऑप्शनल है। यदि हमें कंबाइंड क्लिपर बनाना हो या बायस्ड क्लिपर बनाना हो उसके लिए बैटरी भी जुड़ी हो सकती है, तो ये है ओपनर। तो क्लिपर के सर्किट में की यदि बात करें तो डायोड रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा और बैटरी जो कि ऑप्शनल है। तो डायोड क्लिपर के टाइप्स पढ़ते हैं। अब क्लिपर दो टाइप के होते हैं। पहला है सेंट क्लिपर, और दूसरा है सीरीज क्लिपर। तो पहले संट क्लिपर के बारे में देखते हैं कि संट क्लिपर क्या होता है। संट क्लिपर यदि डायोड इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल के पैरेलल में होता है तो क्लिपर संट क्लिपर कहलाता है। सर्किट डायग्राम यानी इसका देखें तो कैसा रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये डायोड, ये आर, ये डी, ये इनपुट वोल्टेज वी आई और ये आउटपुट वोल्टेज वी ओ। तो वी आई के सापेक्ष में डायोड की पोजीशन क्या है, पैरेलल में है ये इसकी, तो ये क्लिपर कहलाता है संट क्लिपर। दूसरे क्लिपर के टाइप की यदि बात करें तो सीरीज क्लिपर, तो वो क्या रहेगा, यदि डायोड इनपुट वोल्टेज या सिग्नल के
सीरीज में लगा होता है तो क्लिपर सीरीज क्लिपर कहलाते हैं। सर्किट डायग्राम देखें इसका तो कैसा रहेगा। ये हमारा डायोड इनपुट वोल्टेज के सीरीज में अब रेजिस्टेंस की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आर। तो इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष में यानी बात करें तो ये किस में है, इनपुट वोल्टेज के सीरीज में है, इसलिए ये डायोड कहलाते हैं, ये क्लिपर कहलाते हैं, सीरीज क्लिपर। तो अब क्लिपर के लिए दो प्रकार के कर्व हम बनाते हैं किसी भी क्लिपर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है, इसकी यदि बात करें तो पहला है ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स, क्लिपर यानी क्लिपर के ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यदि हम इनपुट व आउटपुट के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो ये कहलाता है ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो एक्स एक्सिस पे हमारा अप्लाइड इनपुट रहेगी, ये इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है किसी भी क्लिपर की। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिपर। तो उसमें कि हमारी आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ में, आउटपुट वोल्टेज का टाइम के साथ में कैसा ग्राफ है वो यदि प्लॉट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज और ये टाइम, तो ये हमारे कहलाता है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, मीन्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कहलाएगा हमारे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की, हमारा क्लिपर की आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, यानी इनपुट में जो वेवफॉर्म दी और आउटपुट में उसके बदले में हमें कैसी वेवफॉर्म मिली, कि उसका कौन सा हिस्सा क्लिप किया गया वो कहलाता है उसकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने क्लिपर क्या होता है उसकी परिभाषा, उसके टाइप से शंट क्लिपर और सीरीज क्लिपर, और क्लिपर के लिए जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं दो, ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम जो क्लिपर को एग्जांपल की सहायता से समझेंगे कि पर्टिकुलर क्लिपर लेके कि उनके ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, कब डायोड ऑन होगा, कब ऑफ होगा। धन्यवाद।